नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल पी टाउन हलचल में। क्या आप शाहरुख खान अपनी अंदाज क्लास के साथ बॉलीवुड में वापसी करेंगे? शाहरुख खान राजकुमार ईरानी के साथ जो फिल्म करने वाले हैं, क्या वो एक बायोपिक फिल्म है? आपको बता दूं, दो तीन दिन से एक चर्चा जोरों शोरों से चल रहा था कि शाहरुख खान राज एंड टीके की फिल्म करने वाले हैं और उसके साथ राजकुमार ईरानी की भी। तो कल जब ट्वीट आया था तरुण आदर्श और कोमल नेहटा जी की तरफ से कि राजकुमार ईरानी दो बायोपिक में काम कर रहे हैं, तो एक बायोपिक लाला अमरनाथ जो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की फर्स्ट सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर्स थे, उनको लेके जो बायोपिक बनाने वाले हैं उनमें शाहरुख खान एज ए मैन लीड प्ले करते हुए दिखाई देंगे। मतलब लाला अमरनाथ की कैरेक्टर शाहरुख खान प्ले करेंगे। सच में ये फिल्म बनेंगे तो आपको इतना तो गारंटी देते हैं कि शाहरुख खान को फिर क्लास अंदाज में आप देख सकते हैं जैसे आप चक दे इंडिया की कबीर खान को देखे थे। सच में ये बंदे के पास क्लास है और अगर इस फिल्म को राजकुमार ईरानी डायरेक्ट करते हैं तो इसमें श्योर 400 करोड़ क्लब में जाने की दम रखते हैं। 20 साल की कैरियर में 24 टेस्ट क्रिकेट खेले हैं और फर्स्ट सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेट प्लेयर भी हैं। हर कोई इनके बारे में जानना भी चाहते हैं, हर कोई इनकी लाइफ को पर्दे में भी देखना चाहेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। आप इसमें कितना सच्चाई है कि शाहरुख खान इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे तो पाक में पता चलेगा, लेकिन अगर शाहरुख खान करते हैं तो ये फिल्म प्योर क्लास फिल्म होगा। ऊपर से राजकुमार ईरानी के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म इजिली 400 क्लब में पहुंचने की क्षमता रखता है, अगर सही मायने में शाहरुख खान इस फिल्म में होंगे तो। तो देखते हैं इस न्यूज में कितना सच्चा है। आगे जाके शाहरुख खान हमें ऐसे क्रिकेट प्लेयर ऐसे ब्लू जर्सी में देखने को मिलता है या नहीं।